एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। एक बड़ी खबर निकल कर आई यूपी पंचायत चुनाव से। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको मिल सके पूरी जानकारी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम यहाँ पे रोजाना यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी अपडेट देते हैं। आपको बता दें, यूपी में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका है, अब लोगों को चुनाव की तारीख का इंतजार है। प्रशासनिक अमले में भी पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। संभावना है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में अधिसूचना जारी हो जाएगी और 31 मार्च से पहले चुनाव पूरे हो जाएंगे। सूत्रों के अनुसार अब इस बार पंचायत चुनाव 4 चरणों में होंगे। वहीं मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य पूरा होने वाला है, इसके बाद 3 जनवरी 2021 तक लोग आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। इस दौरान सभी बीएलओ अपने मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहकर आपत्तियों का निस्तारण करेंगे। इसके साथ ही डीएम ने मतदान और मतगणना के लिए कर्मियों की ऑनलाइन फीडिंग कराने के लिए 31 दिसंबर 2020 तक समय निर्धारित किया है, जबकि नामांकन स्थलों का चयन 10 जनवरी से 2021 तक कराने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर उम्मीदवार उत्सुक हैं। इसके साथ ही पंचायत चुनाव लड़ने वालों की निगाहें आरक्षण सूची पर लगी हैं। हर कोई ये जानने को बेताब है कि आखिर उनके गाँव में आरक्षण स्थिति इस बार क्या रह सकती है। पंचायतों में आरक्षण लागू करने के लिए राजस्व ग्राम की जनसंख्या का आंकलन किया जाएगा। 5 साल पहले चुनाव के समय ग्राम पंचायत की क्या स्थिति थी, वर्तमान में क्या स्थिति है, उसी आधार पर तय होगा कि उस ग्राम पंचायत की सीट किस प्रत्याशी के लिए आरक्षित होगी। 1/3 सीट महिलाओं के लिए। वर्तमान में जिस वर्ग के लिए सीट आरक्षित है वह आगामी चुनाव में उस वर्ग के लिए आरक्षित नहीं रहेंगी। आरक्षण वरीयता क्रम में एसटी की कुल आरक्षित सीटों में से 1/3 एसटी महिला के लिए आरक्षित होंगी, बाकी महिला या पुरुष दोनों के लिए रहेंगी। एससी की 21% आरक्षित सीटों में से 1/3 सीटें इस वर्ग की महिला और बाकी बची सीटें इसी वर्ग की महिला या पुरुष दोनों के लिए होंगी। ओबीसी की 27% सीटों में से 1/3 सीटें इस वर्ग की महिला के लिए आरक्षित की जाएंगी, बाकी इस वर्ग की महिला या पुरुष दोनों के लिए अनारक्षित रहेंगी। कुल 50% सीटें अनारक्षित होंगी, मगर उनमें 1/3 सीटें सामान्य जाति के लिए महिला प्रत्याशियों के लिए आरक्षित की होंगी। पंचायत चुनाव में सीटों का आरक्षण अवरोही क्रम में लागू होगा। दोस्तों, वीडियो से संबंधित अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।